एवरीवन, मैं सर शक्तिपत फूड प्रोडक्शन लैब से। आज हम बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ फिर दोबारा आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम आज बनाने जा रहे हैं इक्लेयर्स। इसके अंदर हम 125 ग्राम बटर, 75 ग्राम फ्लावर, 62 ग्राम बटर, 2-3 एग्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। तो देख सकते हैं कि सारा मैंने इंडिविजुअली मेजर कर लिया है। सबसे पहले इक्लेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पैन को गर्म करने के लिए सबसे पहले मैं अपना इंडक्शन ऑन करूंगा। इसके अंदर वाटर ऐड कर दूंगा। पानी को हल्का सा थोड़ा सा वार्म करना है। वार्म होने के बाद इसके अंदर बटर को ऐड कर दूंगा ताकि हल्का सा लिक्विड वार्म हो जाए। दोनों इकट्ठा डाल देंगे, मेल्ट तो तब भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा जब पानी पहले गर्म होता है तो बटर भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो बटर इसके बाद डालेंगे ताकि इसका ना एक कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। इसका जब प्रोडक्ट का इसका बाद में पता नहीं लगता, जो फाइनली में पता लगता है वो एक अलग चीज निकल के आती है। तो जैसा कि मेरा देख सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए मैंने पैन के अंदर डाल दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट आप मैंने बताया था कि इसके अंदर हम इसके अंदर बटर डालेंगे। हल्का सा वाटर वार्म हो चुका है। वाटर वार्म होने के बाद इसके अंदर 62 ग्राम, मैंने पहले ही बताया था, मेंशन करा था 62 ग्राम बटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको प्रॉपर मिक्स करते रहेंगे ताकि बटर और वाटर का अलग सा एक मिक्सचर बन जाए। सबको पता है वाटर और फैट कभी भी कंबाइन नहीं होते, मिक्स नहीं होते, दोनों सेपरेट सेपरेट रहेंगे। आप थोड़ी देर के लिए इसे अलग से छोड़ भी सकते हो क्योंकि सबको पता पानी चलता है। तो देख सकते हैं मिक्स हो रहा है, अच्छे से मेल्ट हो रहा है। वेट करेंगे इसका मेल्ट होने का। तो देख सकते हैं आप बटर और अपना जो बटर है प्रॉपर मेल्ट होकर मिक्स हो चुका है। मिक्स तो नहीं, इन देंस दोनों गर्म हो चुके हैं मेल्ट होके। और इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा, इसके अंदर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसके अंदर फ्लावर ऐड करेंगे ना। तो फ्लावर ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको हल्का करने के लिए मीडियम फ्लेम हमेशा याद रखेंगे, मीडियम फ्लेम ताकि बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा इसका भी। इसके बाद हम इसे इसमें फ्लावर ऐड कर देंगे। फ्लावर ऐड करने के बाद कंटिन्यू इसे स्टिर करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना रहे। आप घर पे बना रहे हो तो चाहे फ्लेम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मेक श्योर एक बात का ध्यान रखना है, प्रॉपर मिक्स हो और लम्स ना हो और मेक श्योर नीचे ना रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है प्रॉपर अच्छे से। हम इसे थोड़ी देर कुक करेंगे ना, कुक करेंगे तो इसका थोड़ा सा मॉइस्चर है वो और कम हो जाएगा और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। इस बैटर को हम पनाडा भी कहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस मिक्स को ना प्लेट के अंदर निकाल लूंगा ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद वन बाय वन इसमें एग ऐड करेंगे। अगर गर्म के अंदर एग ऐड करेंगे तो ये एग कुक हो जाएगा। इसलिए क्या करूंगा, सबसे पहले मिक्स को रूम टेम्परेचर में लाने के लिए मैं ठंडा करने के लिए निकाल लूंगा और इसे प्रॉपर मैश करता रहूंगा ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्स ठंडा हो चुका है। इसको क्या करूंगा, मैं बाउल में शिफ्ट कर लूंगा। इसे बाउल में शिफ्ट करने के बाद मैंने पहले बताया था कि एग डालेंगे वन बाय वन, इसके अंदर एग यूज करेंगे गर्म में। इसका भी मैंने पहले भी बताया था कि एग पक जाएगा जिस कारण हम एग नहीं डालेंगे। और सूप पेस्ट का सबको पता है, सूप पेस्ट से एक्लेयर, प्रॉफिट रोल, पेरिस राइस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बन जाती हैं, जो डेली के अंदर 5 टेस्टी हैं उनमें से बहुत ही अच्छी टेस्टी है जिन्हें काफी लोग पसंद भी करते हैं खाना। तो इसके बाद मैं इसके अंदर एग हम बनवा बन इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। एक अंडा डालेंगे, उसके बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर अगेन सेकंड एग डालेंगे। ताकि आप देख रहे हैं एक जो एग डाला था वो प्रॉपर मिक्स हो चुका है। एग को प्रॉपर मिक्स करने के बाद हम इसमें जो सेकंड एग है वो डालेंगे। तो हमने सेकंड एग भी इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हम वनीला एसेंस यूज करेंगे ताकि जो एग की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। थोड़ा सा वनीला एसेंस और इसको फिर अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये प्रॉपर मिक्स हो चुका है। तो जब ये मिक्स रेडी हो जाता है मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे काफ़ी देर बाहर ना रहने दें। मिक्स लगने से पहले इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी टेम्परेचर अपना सेट कर लिया। हम इक्लेयर को पाइप करने के लिए मैं पाइपिंग बैग का यूज़ कर रहा हूँ। इक्लेयर के जो मिक्स है जो मैंने दिखाया था आपको रेडी हो चुका है, उसे पाइपिंग बैग के अंदर भरूंगा। आप जितना हैंडल कर सकते हैं पाइप को उतना ही मिक्स पाइपिंग बैग के अंदर डालें, एक्सेस ना करें जिससे पाइपिंग बैग भी फट सकता है या फिर मिक्स टैग भी मार सकता है। तो मेक श्योर आप जितना हैंडल कर सकें उतना ही मिक्स यूज करें। देख सकते हैं मैंने भी ज़्यादा नहीं डाला ताकि एक पाइपिंग बैग है जो हमारा फट ना जाए। मेक श्योर कंसिस्टेंसी एक बार आप कैसे चेक कर लेंगे।
ताकि आपको पाइप करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो देखिए जैसे मैं पाइप करने रख रहा हूँ, तो मेक श्योर जब भी पाइप करना है तो इक्लेयर की जो लंबाई और साइज एकदम सही से पाइप चलाना, जो हाथ की मूवमेंट वो बहुत कम होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सारी क्लियर है उन्हें मैं पाइप कर चुका हूँ। तो इसके बाद मैं बेकिंग के लिए डालूंगा इसे 200 डिग्री टेम्परेचर 30-35 मिनट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी क्लियर है, जो बेक हो चुके हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, इसके बाद इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और कवर करेंगे चॉकलेट। तो जैसा देख सकते हैं आप, जो हमारे क्लियर्स हैं वो हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिल करने के लिए आप इन्हें काट के भी फिल कर सकते हो और इनके आप साइड पे होल कर सकते हैं, जिससे पाइपिंग के साथ अच्छे से आप इसे फिल कर सके। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनके साइड पे होल करूंगा ताकि अच्छे से प्रेशर से इन्हें फिल कर सकूं। मेक श्योर जब भी आप फिल करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप फिल कर दें और ये खाली रह जाए। हल्का सा प्रेशराइज हाथ पे रखेंगे ताकि क्रीम स्लो बाय स्लो एटलीस्ट लास्ट तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इनके अंदर प्रॉपर होल हो चुका है। तो होल को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हाथ में पाइपिंग डाल सकते हैं, हल्का सा स्लोली स्लोली प्रेशर के साथ इसे प्रेस करते रहेंगे। मेक श्योर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आपका पाइपिंग डाल फट सकता है। तो मेक श्योर आप आराम आराम से इसे फिल करेंगे, क्योंकि फिल करने के बाद उनका ऑटोमेटिक वेट ज्यादा हो जाएगा। तो मेक श्योर अच्छे से फिल कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा फर्स्ट फिल हो चुका है। तो क्या करेंगे, वन बाय वन इसे चॉकलेट में डिप करेंगे, क्योंकि हमने अंदर चॉकलेट की फिलिंग करी है। तो व्हाइट के ऊपर डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर डार्क की पाइपिंग मारूंगा। तो जैसे देख सकते हैं मैंने चॉकलेट का यूज करा है, आप गार्निश के लिए सिल्वर बॉल्स या अलग क्रीम्स का भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अब आई बात लास्ट में प्लेटिंग की, तो प्लेट के लिए देख सकते हैं मैंने प्लेटों को डेकोरेट कर लिया है पहले। तो इसमें अच्छे से अरेंज करूंगा ताकि देखने में भी सिमेट्री सा एक अच्छा सा लगे। देख सकते हैं कि मैंने प्लेट्स को प्लेटों पे अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो जो हमारे प्लेट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो ऐसी ही नई रेसिपी को जानने के लिए आप हमारे ऑनलाइन हमें देख सकते हैं, हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं।